नित्य सबर अभिव्यक्ति मोक्ष गति मुक्त गति परम गति हिमांशु नाट्यम की ओर से, जिसे कथक में कहते हैं तराना। आज का जो प्रयोग है दूसरा दिन, जिस पे वे कथक नृत्य शास्त्र का तराना और कुचिपुड़ी नृत्य शास्त्र का तरंगम दोनों का समन्वय कर रहा हूँ। जो कल आपने देखा पूरा जो तराना है वो थाली के ऊपर प्रकट किया, इसी तरह से आज भी प्रकट करने को जा रहा हूँ। ये जो मैं कुछ ऐसी बात कहूँगा आपकी प्रेरणा के लिए, जैसे ये मेरे बहुत पहले से भाव आता रहता था कि इस तराना को मैं थाली पर प्रकट करूँ था, लेकिन कहीं मौका नहीं मिला। बड़ौदा में दो बार जो नृत्य सुदर्शन प्रक्रिया थी उसमें मैंने प्रारंभ भी किया, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया तो दो बार मुझे छोड़ देना पड़ा, तो ये पूरा प्रकट नहीं हो पाया। लेकिन कल मैं इसे पूरा प्रकट कर पाया, आज दूसरा दिन है, आपके समक्ष प्रकट करना हूँ तरंगम और तराना का समन्वय। इसका पवित्र राग सोहनी संध्या समय का राग है और इसका श्रवण भी अनुभव करें आप स्वयं, क्या अनुभव कर रहे हैं, और देखें भी नृत्य सुदर्शनम। ये जो प्रक्रिया है इसमें हमारे सारे विधायत्मक भाव जो है, मैं कहूँगा सब मनुष्य शारीरिक मानसिक भावात्मक रूप से स्वस्थ रहे इस पृथ्वी पर। जितना मनुष्य स्वस्थ शरीर मन भाव आत्मा की दृष्टि से जितना स्वस्थ, इतना इस पृथ्वी का वातावरण स्वस्थ, सर्व जीव का जो कल्याण का काम है हम ठीक से कर सके। तो हमारी पवित्र भावना तरंगम की माध्यम से, तरंगम जो है दसों दिशा को जोड़ने वाला नृत्य है, कथक भी, कथक नृत्य शास्त्र भी सर्व दिशा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मुख्य दिशाएं, ईशान अग्नि नैऋत्य वायव्य उप दिशाएं, अधोगामी दिशा धरती माता की ओर, ऊर्ध्वगामी दिशा आकाश की ओर, इस तरह से दसों दिशाओं को जोड़ने वाली प्रक्रिया है तरंगम, जिसमें शुभ भाव को फैलाया जाता है समष्टि में और समष्टि से पवित्र प्रेरणा की शक्ति को प्राप्त किया जाता है। तराना और तरंगम का समन्वय।